हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वाइट सीट है इसकी ख़राब हो गई है, तो आज हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से चाबी मैंने निकाल ली है यहाँ पे, और ये सीट है इसकी नई सीट। तो इसके ऊपर जो इसके लिए ज़रूरी जो सामान है वो ये है। एक तो जो फेविकॉल आता है वो ये है, फेविकॉल SR998, ये फेविकॉल है। और ये सीट आ जाती है मार्केट से, और कुछ एक रेती वगैरह, तिकोड़ा वगैरह, और ये एक्सा ब्लेड। तो इससे क्या, हम पहले इसको चिपका देंगे कम्प्लीटली यहाँ पर रख के, ये फेविकोल लगा के, और बाद में 2-3 घंटे के सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको बाद में एक्सा ब्लेड से हम आसानी से धीरे धीरे काटेंगे और प्रॉपर रेती की मदद से धारी बनाएंगे, सही एकदम पूरा गोलाई में काटेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा। तो गाइस, जैसा कि आपको पता चल रहा है, इसके जो पुराना वो था लगी हुई थी वो निकल गई है और ख़राब भी हो गई थी। तो इस तरह का सरफेस है, और इसमें से मैं ये जो फेविकोल है, ये मैंने बताया था SR998, ये सिंथेटिक है। इससे क्या है, ये नाइलॉन को अच्छे से पकड़ती है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जैसा कि मैं लगा पा रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे से बेहतर लगाएंगे। यहाँ पर लगा देंगे और एक एक स्टेप बाई स्टेप आप इसको चिपकाते हुए चलेंगे। देखो, अभी मैंने इसको यहाँ लगा दिया हल्का सा, पूरा लगा के, और इसको ठीक उल्टा करके उस पर जो प्लेट है उस पर लगा चिपका देंगे। जैसे कि ये मैंने इस पर नंबरिंग कर दिया था, तो ये आगे से मैं कवर करूँगा। तो ये हो गया एक नंबर। अब ये यहाँ पे ठीक ऐसे चिपक जाएगा, बाद कटिंग हम इसकी सूखने के बाद हम करेंगे। तो ये एक नंबर है, ये मैंने यहाँ चिपका दिया। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चिपकाने के बाद क्या, कटिंग इसकी बाद में होगी, अभी कटिंग नहीं करेंगे हम। ऐसे करके क्रमवार सभी में थोड़ा गैप रखेंगे, ताकि यहाँ बीच में एक्स्ट्रा ब्लेड चल सके। इसके बीच में थोड़ा गैप रखेंगे, फिर इसकी बाद में कटिंग करेंगे रेती की मदद से। जो भी है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बढ़िया से करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे इस तरह से चिपकाता हुआ जाता हूँ, बाद में आपको बताऊँगा वीडियो में। तो साथियों, पूरी चाबियों को हमने, जो नीचे की चाबियाँ हैं, वाइट चाबियाँ, उनको इस तरह से हमने उल्टा करके चिपका दिया है। अब हम इसको 4-5 घंटे सूखने देंगे, उसके बाद जब एक टाइट हो जाएंगे, फिर उसको हम आसानी से काटेंगे सरफेस में, ओरिजिनल जो उचित सरफेस है उसमें। तो गाइज, इस तरह से हमने ये बनाते हुए जा रहे हैं, आप देख लें, बिल्कुल परफेक्टली बना रहे हैं। और इसका मैं प्रोसेस दिखाता हूँ, हम लोग प्रॉपर कटिंग कर रहे हैं इसमें। जैसे इसमें से एक एक पीस को हम अलग अलग करते जा रहे हैं, ये चिपका हुआ है, और फिर उसको प्रॉपर इस रेती की मदद से, ये जैसे अभी इसको पूरा साइजिंग करूँगा, देखो यहाँ से पूरा अभी, जैसे ये थोड़ा कनार थोड़ी बड़ी है, काफ़ी मेहनत है इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है। आप ऐसा ट्राई ना करें, क्योंकि हर आदमी की स्किल अलग अलग होती है, और ये स्किलफुल वाला आदमी ही अच्छा कर पाता है। इसलिए केवल एक आपको दिखाने के लिए है कि आप इसको कैसे लगाते हैं। तो इसको देखो, घिस घिस के बिल्कुल एकदम साइज में लेके फिर वहाँ ले जाना पड़ता है, और फिर एक्यूरेट बनाते हैं। तो ऐसा करके ना, जो कुछ एक बची है इनको हम बना लेंगे, लेकिन इस तरह से ये बन गई है, आप देख पा रहे हैं। देखो, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल फिनिशिंग उतना ज़बरदस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा है। ये देख पा रहे हैं, मैं आपको हल्का सा चाबी क्लिक करके दिखा, थोड़ा सा ये लोग कहीं से भी टच नहीं हो रही है, चाबी एकदम फ्री है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जब भी नमस्कार। आप कटिंग करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको ये चिपकाया हुआ, तो मैं एक नमूना बता रहा हूँ। इसमें आप पहले अंदर के पार्ट को पहले कटिंग करेंगे इस तरह से, देखो, ताकि चाबी का जो सरफेस है उसके बीच में जगह कम रहे। इस तरह से आप पूरा जो रीड बोर्ड है उसका अंदर से कटिंग की जाती है, ताकि इसमें चाबी में के बीच में ज़्यादा गैप ना रहे। इस तरह से कटिंग करके फिर बाद में आउटसाइड का एरिया काट जाता है। ये देखो, ताकि ये जो बीच में जगह है यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो बीच में जगह है ना, ये बिल्कुल कम रहे चाबी के बीच में, इससे प्रॉपर फिटिंग आती है। फाइनली गाइज, हमने ये पूरे लगा दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया सेटिंग, एकदम ज़्यादा गैप भी नहीं है इसमें। ये देख लीजिए, फिनिशिंग ठीक कह सकते हैं, अच्छा है फिनिशिंग। ये देखो, बिल्कुल भी गैप नहीं है ज़्यादा,
कपलर काम कर रहा है, कहीं भी साइड से अड़ नहीं रहा। तो ये इस तरह की फिनिशिंग आई है और ये पूरे मैंने चेंज कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, बाय बाय।